या तो अब पाकिस्तानी टीम को खुद ही कुछ दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से दूरी बना लेनी चाहिए, या फिर आईसीसी की तरफ से इन्हें बैन कर दिया जाना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के स्टैंडर्ड को मुल्तान के मैदान ने तार तार कर दिया, क्योंकि इस मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की पहली पारी में 3 शतक लगे और 1 अर्धशतक। उसके बाद बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड ने पहली पारी में 1 तिहरा शतक, 1 दोहरा शतक और 1 अर्धशतक, जो भी लगभग शतक के करीब ही था। इस लिहाज से 4 दिनों में मुल्तान में लगभग 1400 रन बन गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए फट्टा विकेट तैयार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स की फजीहत क्यों करवाने पर तुले हो? हैरी ब्रुक, जिसने मात्र 18 टेस्ट मैच खेले हैं, उससे 300 रन बनावा दिए। जितनी मेहनत और क्वालिटी बोलिंग खेलकर लारा, सहवाग, हेडन जैसे बल्लेबाजों ने 13 शतक मारा, वह रन हैरी ब्रुक ने बड़ी आसानी से हंसते खेलते टेनिस बॉल क्रिकेट की तरह मार दिए। पिछले 1 या 2 वर्षों से अगर पूरी दुनिया में हुए टेस्ट मैच देखेंगे, तब भी यह नहीं पाएंगे कि किसी टीम ने एक पारी में 800 से ऊपर रन खड़े कर दिए। इस लिहाज से 2 टेस्ट मैच और यहां हुए तो जो रूट बड़ी तेजी से पोंटिंग से रन के मामले में आगे निकलकर दूसरे स्थान पर काबिज हो जाएंगे। खैर, रोड विकेट बनाकर भी हाथ तो बेइज्जती ही आई। पहले बांग्लादेश के सामने ग्रेनी विकेट बनाए तो बैट्समैन एक्सपोज हो गए, अब रोड विकेट पे गेंदबाज एक्सपोज हो गए, और दूसरी पारी में बैट्समैन इज्जत की मटियामेट करने पर उतारू है। टेस्ट मैच या फिर कोई सा फॉर्मेट हो, टीम गेम होता है। इन्होंने टीम की खराब परफॉर्मेंस का हल पिच बदल कर ढूंढना शुरू कर दिया, और इस बार फिर से टेस्ट मैच हार गए, वो भी शर्मनाक तरीके से।